छत्तीसगढ़ सरकार और सैन्य द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 5 और 6 अक्टूबर को सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम, क्षमता और ताकत से परिचित होने का एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर होगा। बता दें कि इस सैन्य प्रदर्शनी में युद्ध टाइम T-90 सहित बहुत से ऐसे आधुनिक और उन्नत सैन्य उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा जिसका उपयोग करके सेना ने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की है। इसी बीच कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने बताया कि आर्मी मेले में आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक देखी जा सकेगी और प्रदेश से काफी लोग इसे देखने पहुंचेंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में गोरखा रेजिमेंट के संस्कृति दल द्वारा कुकरी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। साथ ही भारतीय सेवा के विभिन्न इकाइयों के 500 के आसपास जवान भाग लेंगे और कार्यक्रम में मध्य भारत क्षेत्र के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। देखिए, ये प्रदर्शनी है, इसमें दो तरह की प्रदर्शनी होगी। एक जिसको स्टैटिक कहा जाता है, जो हथियार लगे हुए होंगे, इसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ एक साथ अलाउ नहीं की जाएगी, लेकिन आपको बताया जाएगा, छूने दिया जाएगा, फोटो खींचने दी जाएगी, ये सब किया जाएगा, लेकिन ये एक डिसिप्लिन के तहत होगा। और मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से ये सभी समझें कि बहुत ज्यादा भीड़ किसी भी जगह ना करी जाए। दूसरा जो है डायनेमिक डिस्प्ले होगा, जैसा कि कलेक्टर साहब ने आपको बताया, उसमें हरकत किस प्रकार से की जाती है, मोटरसाइकिल के माध्यम से आप एक बहुत ही रोचक क्रिया देखेंगे जिसको डेयर डेविल मोटरसाइकिल डिस्प्ले कहा जाता है। घुड़सवारी के बारे में आपको बताया, खुखरी डांस, हमारा जो गोरखा के जवान हैं वो खुखरी डांस करते हैं। आपने कल्चर की बात करी, सांस्कृतिक धरोहर जो है फौज में, आपको ये तो एक छोटा सा नमूना हम दिखाने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप फौज में आएंगे आप देखेंगे कि हमने पूरे भारत की संस्कृति को बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। तो और भी बहुत तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स हैं जो हम सब तो नहीं दिखा पाएंगे आपको, पर एक डायनेमिक प्रोग्राम होगा। स्पेशल फोर्सेस वो होती हैं जो फौज में भी ऐसे हाईली ट्रेंड सिपाही होते हैं, ट्रुप्स होते हैं, जो कि दुश्मन के इलाके के पीछे जाके दुश्मन को पीछे से हताहत करते हैं, तो वो भी आपको दिखाई जाए। व्यवसाय जी की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ में वृहद स्तर पर पहली बार इतने बड़े सशस्त्र सैन्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व में कभी एक छोटा कार्यक्रम हुआ था, लेकिन वो इतने वृहद स्तर पर नहीं था, और उसके उस कार्यक्रम को ही ध्यान में रखते हुए इसकी विशालता, विशाल इसके उसको बढ़ाया गया है, क्षितिज को और चौड़ा किया गया है, लंबा किया गया है। भाव इसके पीछे ये है कि छत्तीसगढ़ का जो आम जनमानस है वो सेना के दिन प्रतिदिन की गतिविधि, कैसे सैन्य ऑपरेशन करते हैं, कौन कौन से उपकरणों के साथ करते हैं, सैनिक सामान्य क्षेत्र में आकर कैसा महसूस करते हैं, इन सब चीज़ों से एक ओर अवगत हो, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के युवाओं में भी सेना को लेकर, सेना में जाने को लेकर एक नए प्रकार का उत्साह पैदा हो, और जो हमारी नई पीढ़ी है वो राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना को और पास से देखने का उसको मौका मिले, और उन सूरवीरों का सम्मान का भी एक अवसर है जिनके प्रयासों से, जिनके अथक परिश्रम से हम सब लोग मैदानी क्षेत्रों में बैठकर आराम से काम करते हैं।